कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, कॉन्ट्रैक्ट्स जिनकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्या मतलब है हमारे पास, एज इट इज किसी चीज को परफॉर्म करना, जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस थे उसको एज इट इज परफॉर्म करना। सेक्शन 10 हमें बताता है, सेक्शन 10 हमें बताता है कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जिसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है। सेक्शन 10 में लिखा हुआ है, एक बार ही पढ़ लेते हैं इसको दोबारा, फिर इसको लिखने वाले पोर्शन को भी स्टार्ट करेंगे। इससे पहले सेक्शन 12 हम कर चुके हैं कल की क्लास में, मतलब लास्ट क्लास में, पार्ट परफॉर्मेंस, क्या हाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाई जा सकती है या नहीं करवाई जा सकती, ठीक है। वो जनरल रूल नो था और उसकी एक्सेप्शन हमने उस क्लास में पढ़ ली थी, लास्ट वाली में, ठीक है। तो इसको हम कर चुके हैं पूरी तरह से। अब हम अपना मेन क्वेश्चन उठा रहे हैं यहाँ से, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे अभी तक का जितना भी हमने टॉपिक किया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा आपके पास। देखिए 2018 में हमारे पास क्या होता है, एक अमेंडमेंट आती है। 2018 की अमेंडमेंट से पहले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो था ना वो मैंडेटरी नहीं था। अभी आपके पास यहाँ पे शेल वर्ड यूज किया हुआ है उसने, उससे पहले यहाँ पे मे वर्ड यूज किया होता था, जो सेक्शन था बहुत लंबा चौड़ा सेक्शन था, काफी पॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पे आपके लिए तो एक अच्छा काम हो गया कि इतना सा सेक्शन ही हमें पढ़ना है, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मीनिंग आपको क्लियर हो गया, एज इट इज उसको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना। मैं मेरे पास सपोज कीजिए, मेरे पास एक पेंटिंग है और ये पेंटिंग बनाई हुई है किसी इतने बड़े आर्टिस्ट ने, और वो आर्टिस्ट अब मर चुका है, तो दोबारा तो नहीं बना पाएगा ना वो पेंटिंग क्योंकि मर चुका है। तो ये जो पेंटिंग है वो क्या हो गई, रेयर पिक्चर हो गई, दूसरा इसका पार्ट अवेलेबल नहीं है, ना ही बन सकता है, एंटीक हो गई एक तरह से। तो अब इसको बेचने के लिए मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि ये पेंटिंग मैं आपको 1,00,000 रुपए में सेल करूंगा, और इन बिटवीन मुझे कोई 5,00,000 रुपया ऑफर कर देता है इसका, तो मैं आपको देने से मना कर देता हूं कि मैं नहीं आपको ये पेंटिंग दूंगा। तो यहाँ पे दो सिचुएशंस हो सकती है, पहला या तो आपको मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा, दूसरा आप चाहो तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकते हो कि मुझे तो पेंटिंग ही चाहिए। यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो एज इट इज। कौन कौन से केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ली जा सकती है, हर केस में। कौन से, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपने किया ना, जितने भी हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े थे, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास बन गया, हर कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाई जा सकती है, अंटिल अनलेस उसकी स्पेसिफिक एक्सेप्शन ना दी हो। तो लिखा कहां पे, ये लिखा हुआ है, द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी enforced by court subject to the provisions contained in subsection 2 of 11, यानी कि section 11, subsection 2, section 14 and section 16. इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हम contracts करते हैं, जितने भी हम contracts करेंगे, उन सब की specific performance क्या हो जाएगी, mandatory। अगर आप कोर्ट में जाते हो कि मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, मिल जाएगी आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बट इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस में लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन केसेस में नहीं हो पाएगी। अभी ये मैं 3 ही करवा रहा हूँ, इसके अलावा भी जो एक्सेप्शंस है वो भी लिखवाऊंगा आपको, पर सेक्शन 10 में ही आपको लिखा हुआ है 3 केसेस जहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती है। अगर आपसे पूछा जाएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वेदर इट इज मैंडेटरी, आंसर का आएगा यस। कहां पे दिया हुआ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10 में दिया हुआ है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इस रूल की एक्सेप्शन 3 एक्सेप्शन है, पहली सेक्शन 11(2), दूसरी सेक्शन 14 एंड तीसरी सेक्शन 16। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे करवाने में भी टाइम लगेगा तीनों को, ऐसा नहीं कि आज शुरू किया और आज ही खत्म, नहीं, 2-3 दिन लग जाएंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। तो पहला हम पार्ट यहां से शुरू कर रहे हैं इसकी एक्सेप्शन का, क्योंकि जनरल रूल तो आपको सबको क्लियर हो गया, हम 1 by 1 करेंगे इसको। पहले हम करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, ये मैंडेटरी होती है, इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लेंगे, फिर हम लिखेंगे उसके बाद एक्सेप्शंस वाला पार्ट कि इन केसेस में
इन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना मैंडेटरी नहीं है। तो इनमें से मैं पहले वाला डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, और फिर इतना पोर्शन आपको लिखवाऊंगा, फिर आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, वन बाय वन लिखते जाएंगे उसको। इकट्ठा डिस्कस करके इकट्ठा नहीं लिखवा रहा हूं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, चीजें याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, तो देखिए पहली एक्सेप्शन क्या दिया हुआ है, सेक्शन 11 सबसेक्शन 2। पहली एक्सेप्शन हमारे पास दिया हुआ है सेक्शन 11 सबसेक्शन 2। सेक्शन 11 अगर आप देखोगे तो ट्रस्ट की बात कर रहा है, सेक्शन 11 ट्रस्ट की आपसे बात कर रहा है। ट्रस्ट होता क्या है, ट्रस्ट में दो पार्टीज होती हैं, पहले तो याद रखना, बेसिकली तीन हो जाएगी, बट जो क्रिएट कर रहा है, एक क्रिएट करता है ट्रस्ट को, जिसको हम ऑथर ऑफ द ट्रस्ट कह देते हैं। सपोज कीजिए कोई मिस्टर ए है, इसके पास कोई प्रॉपर्टी है इसकी, और इसको मिस्टर बी के ऊपर भरोसा है, इसको मिस्टर बी के ऊपर ट्रस्ट है, भरोसा है, तो ये यहां पे एक ट्रस्ट डीड लिखता है। ट्रस्ट डीड से क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनिए, ट्रस्ट का मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको। वैसे हमने सेक्शन 2 पढ़ते हुए ये पढ़ा था कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में सेक्शन 3 में जो डिफाइंड है उसको ट्रस्ट कहते होते, पर सेक्शन 3 में क्या डिफाइंड है उसमें जाने की भी जरूरत नहीं है आपको, बस ट्रस्ट होता क्या वो याद रख लेना। जब कोई अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को देता है, दूसरे सामने वाले को इसलिए दे रहा है क्योंकि सामने वाले के ऊपर उसको भरोसा है, ट्रस्ट, इसलिए नाम भी ट्रस्ट है। मैं अपनी प्रॉपर्टी सामने वाले को दे रहा हूं क्योंकि मुझे सामने वाले के ऊपर भरोसा है, और उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ ऑब्लिगेशन जोड़ रहा हूं साथ में, उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ ऑब्लिगेशन साथ में जोड़ रहा हूं कि इस प्रॉपर्टी को इस चीज के लिए आप यूज करोगे, इसको कहते हैं ट्रस्ट, प्रॉपर्टी की ट्रस्ट क्रिएट करना। मुझे पता है, सपोज मेरे को रमन के ऊपर ट्रस्ट है, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैंने इसके नाम पे नहीं की, इसको दे दी ट्रस्ट में, और इसको कहा कि इस प्रॉपर्टी को रेंट आउट करोगे आप, नाउ आप इसकी देखरेख करोगे, आप इसको रेंट आउट करोगे, और उससे जितनी भी इनकम आएगी वो जो इनकम होगी आपने ऑर्फन बच्चों के लिए, जो बच्चे अनाथ हैं उनके लिए यूज करनी है। तो एक पर्पज मैंने यहाँ पे जोड़ दिया प्रॉपर्टी के साथ, ऑब्लिगेशन जोड़ दिया। अब इसकी ड्यूटी वहां पे क्या है, ये प्रॉपर्टी को यूज करेगी सिर्फ और सिर्फ उस पर्पज के लिए जो मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है ट्रस्ट डीड में। तो जो ट्रस्ट बनाता है उसको कहते हैं ऑथर, ऑथर सेटलर, जो ट्रस्ट बना रहा है। मैंने ट्रस्ट क्रिएट किया, मैं कौन हो जाऊंगा, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। ट्रस्ट में मैंने क्या किया, सामने वाले को उस पे रिलाय करके, सामने वाले पे भरोसा करके, सामने वाले पे भरोसा करके, स्पेलिंग ठीक है देख लेना, सामने वाले पे भरोसा करके मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रस्ट लिखी, इसलिए मैं कौन हूं, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। और सामने वाला जिसके जिसको मैंने प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दी है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ट्रस्टी, इसको क्या कहेंगे, ट्रस्टी। अब इस ट्रस्ट में मैंने सामने वाले को क्या चीज दिया, इस ट्रस्ट में मैंने सामने वाले को प्रॉपर्टी दी, मैंने सामने वाले को क्या दिया, प्रॉपर्टी दी। और वो प्रॉपर्टी किस तरह की हो सकती है, वो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी प्लस इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। सामने वाले को दे रहा हूं, सेल नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, सामने वाले को दे रहा हूं किसके लिए, किस पर्पस के लिए दे रहा हूं, किसी के बेनिफिट के लिए दे रहा हूं, यानी कि इस ट्रस्ट के उसमें पर्पस क्या होगा मेरा, बेनिफिट, बेनिफिट ऑफ थर्ड पार्टी। ट्रस्ट जो मैं क्रिएट कर रहा हूं उसको बाय ट्रस्ट डीड क्रिएट किया जाता है, हमेशा याद रखना, किस चीज के लिए वो दी जा रही है, बेनिफिट ऑफ थर्ड पार्टी। सेल के एग्रीमेंट में क्या होता है, मेरी जमीन, मेरी लैंड, मेरे गुड्स, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैं आपको सेल कर रहा हूं, बदले में मैंने पैसे लिए, वो आपकी हुई। यानी कि इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में वो प्रॉपर्टी की ओनरशिप मिल रही है आपको, यहाँ पे ओनरशिप नहीं मिल रही है उसको, जो ट्रस्टी है उसको ओनरशिप नहीं मिल रही है, वो प्रॉपर्टी आप अपने लिए यूज करोगे सेल के केस में, बट ये अपने लिए यूज नहीं करेगा, ये किस चीज के लिए यूज करेगा,
जिस पर्पस के लिए मैंने उसको ट्रस्ट दिया हुआ है। अब वो पर्पस दो तरह के हो सकते हैं। पहला हो सकता है या तो वो पर्पस रिलेटेड होगा, रिलेटेड टू समवन, रिलेटेड कौन, रिलेटेड टू द ऑथर, जो ऑथर ऑफ मतलब जो लिख रहा है ना ट्रस्ट डीड, उससे उसके रिलेशन में कोई आ रहा है, उसके बेनिफिट के लिए उसको कह रहा है। मिस्टर ए ने कहा कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी दे रहा हूं, जो भी रेंटल इनकम आएगी मेरे माइनर सन को आप दोगे, तो यहां पे ट्रस्ट दिया। मिस्टर ए क्या हो गया, ऑथर हो गया। किसको दी, बी को वो प्रॉपर्टी दिया कि इनकम किसको देनी है, मेरे माइनर बच्चे को देनी है, तो वो कौन हो गया, वो बेनिफिशियरी हो गया वहां पे। या फिर क्या होगा, नॉट रिलेटेड, नॉट रिलेटेड विद ऑथर, यानी कि दैट इज पब्लिक एट लार्ज, एट लार्ज। मिस्टर ए ने बी को प्रॉपर्टी दिया कि इसको आप लीज पे दोगे अगले 20 साल के लिए, मैं 20 साल के लिए ट्रस्ट क्रिएट कर रहा हूं, और उससे जो इनकम आएगी वो आपने ऑर्फन बच्चों के लिए यूज करना है। अब ऑर्फन बच्चे उससे रिलेटेड थोड़ा ना, वो पब्लिक के इंटरेस्ट में दे रहा है। तो इस तरह की जो ट्रस्ट हम क्रिएट करते हैं इसको कहते हैं पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट, और इस तरह की ट्रस्ट को हम कहते हैं प्राइवेट ट्रस्ट। प्राइवेट ट्रस्ट का मतलब क्या हुआ, वो अपने रिलेटेड पर्सन के लिए यूज कर रहा है बेनिफिशियरी, यहाँ पे अनरिलेटेड के लिए, जो उससे रिलेटेड नहीं है। ट्रस्ट का मीनिंग आपको क्लियर हो गया, सेल से कंफ्यूज मत करना, दूसरे के बेनिफिट के लिए हो रही है। अब ध्यान से सुनना, अगर एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अगर मिस्टर ए ने कहा मैं आपको ये प्रॉपर्टी दे रहा हूं ट्रस्ट में और इसको आप रेंट पे दोगे अगले 20 साल के लिए, और 20 साल तक जितनी भी इनकम इससे आएगी, ट्रस्ट डीड क्रिएट कर रहा है वहां पे, वो इन ऑर्फन बच्चों के लिए यूज करोगे, ऑर्फन बच्चों के लिए यूज करोगे। बट इसने क्या किया, जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट क्रिएट किया गया था उस पर्पस को डिफीट कर दिया, उस पर्पस को डिफीट कर दिया, उस चीज के लिए वो उसको यूज नहीं कर रहा। तो क्या इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाई जा सकती है, इस ट्रस्ट की जो ये कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में हुआ है, क्या उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाई जा सकती है? आंसर इज यस। कहां लिखा हुआ है, सेक्शन 11 में लिखा हुआ है। सेक्शन 11(1) कहता है कि जितने भी ट्रस्ट यानी कि फ्यूडिशरी रिलेशनशिप, फ्यूडिशरी का मतलब है रिलाय कर रहा है ना उसके ऊपर, भरोसा कर रहा है, वहां से जितने भी कॉन्ट्रैक्ट निकलेंगे दे ऑल कैन बी परफॉर्म्ड स्पेसिफिकली, उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस शैल बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट, सेक्शन 11 कह रहा है। बट सेक्शन 11(2) में ही उसकी क्या दिया हुआ है, एक्सेप्शन दिया हुआ है, अभी पढ़ेंगे भी उसको। अब सपोज कीजिए इसने क्या कहा था कि उसको आपने सिर्फ और सिर्फ इसके लिए यूज करना है, इसको रेंट आउट करना है और उसकी इनकम उस बच्चों के लिए यूज करनी है, पर्पस क्लियर हो गया। अब ये क्या करता है, जो ट्रस्टी है इस पर्पस से बियॉन्ड जाके उस प्रॉपर्टी को यूज कर लेता है, इस पर्पस से बियॉन्ड जाके, मतलब जो पर्पस उसको दिया था कि रेंटल इनकम और वो बच्चों के लिए यूज होगा, अथॉरिटी कितनी है इसके पास यहाँ पे, सिर्फ रेंट आउट करने की और उस इनकम को बच्चों के लिए यूज करने की। तो जब इसने किसी और से, थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किस चीज में, अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड जाके, जो पर्पस ऑफ ट्रस्ट डीड था उससे आगे जाके जब इसने थर्ड पार्टी से कोई एग्रीमेंट कर लिया, उस एग्रीमेंट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाई जा सकती है। क्लियर हुआ, जब तो विद इन दी अथॉरिटी कर रहा है वो। फॉर एग्जाम्पल इसने क्या किया, इसने मिस्टर सी को रेंट आउट कर दिया, मिस्टर सी को रेंट आउट कर दिया। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, कि इसने इसको बिल्डिंग दिया और ये इसको रेंट दे रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट की तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाई जा सकती है, क्यों, क्योंकि विद इन दी अथॉरिटी है, ये विद इन अथॉरिटी हुआ ना, जिस पर्पस के लिए दिया था उसी पर्पस के लिए वो यूज कर रहा है। सेकेंड सिचुएशन, इसने क्या किया, इसने मिस्टर सी को सेल का एग्रीमेंट कर डाला कि मैं ये प्रॉपर्टी आपको बेच रहा हूं। अब क्या ये बेचना इस प्रॉपर्टी को इसकी अथॉरिटी में था, नहीं था, तो अब वो मुकर जाता है कि नहीं बेच रहा हूं, तो क्या सी इसके ऊपर केस कर सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि बियॉन्ड द अथॉरिटी कर दिया। क्लियर हो रही है आपको ये चीजें, कि अथॉरिटी के बीच में जब काम करेगा ट्रस्टी, उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स करवाया जा सकता है। कहां लिखा है, 11(1) में लिखा हुआ है।
जब ट्रस्टी बियॉन्ड हिज अथॉरिटी काम करेगा उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाई जा सकती है। क्लियर? कहां लिखा है? सेक्शन 11(2) में लिखा हुआ है, एक बार ही देख लेते हैं। तो पहली एक्सेप्शन आपको क्लियर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरह के हो उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाई जा सकती है, शैल लिखा हुआ है, ऑब्लिगेटरी है। बट पहली एक्सेप्शन आ गया 11(2), यानी कि ट्रस्टी ने जहां पे अपनी अथॉरिटी से आगे बढ़ के कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाई जाएगी। देखिए ध्यान से, केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कनेक्टेड विद ट्रस्ट एनफोर्सिएबल एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शेल बी एनफोर्स वेन द एक्ट एग्री टू बी डन इज इन द परफॉर्मेंस होली और पार्टली ऑफ ट्रस्ट। यानी कि जो एक्ट वो कर रहा है, अगर वो ट्रस्ट की जो अथॉरिटी उसने दिया हुआ है, जो पर्पज उसने सेट किया हुआ है, अगर उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाई जा सकती है। बट दिस इज द एक्सेप्शन, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ट्रस्टी, ट्रस्टी क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इन एक्सेस ऑफ हिज पावर्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया सी को बेचने की बात कर बैठा तो पावर्स एक्सीड कर गया वहां पे, इन एक्सेस ऑफ हिज पावर्स और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, या फिर ट्रस्ट को ब्रीच करते हुए, ट्रस्ट का जो पर्पस था उसको ही ब्रीच कर दिया उसने और कॉन्ट्रैक्ट कर बैठा, तो इन दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स, उसको स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। तो हम यहां पे ऊपर वाला नहीं, हम ये पढ़ रहे हैं उसके एक्सेप्शन में सिर्फ। क्लियर हो गया? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सेक्शन 10 कहता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑब्लिगेटरी, शेल वर्ड यूज किया हुआ है, आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स करवा सकते हो। उस रूल की 3 एक्सेप्शन है, पहली एक्सेप्शन हमने पढ़ी अभी सेक्शन 11(2), यानी कि जब ट्रस्टी जो होता है वो दो इनमें से, इन दोनों में से कोई भी एक काम कर देता है जब ट्रस्टी, पहला क्या है एक्सेस ऑफ हिज पावर, अगर ट्रस्टी किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अपनी पावर्स को एक्सेस एक्सीड करके उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, या फिर ट्रस्ट का जो पर्पस था उसकी ब्रीच कर रहा है, ट्रस्ट को ब्रीच करके कोई एग्रीमेंट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। इन दो सिचुएशंस में नहीं होगी, अदरवाइज ट्रस्ट के केस में होगी। इसमें लिखिए थोड़ा सा।